हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनविता। आज बनाने जा रही हूँ पनीर टिक्का पिज्जा रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करते हैं। एक परत में गर्म पानी ले रही हूँ। यहाँ पे गर्म पानी ले रही हूँ क्योंकि चीनी अच्छे से मिक्स होने के लिए। चीनी 2 चम्मच डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाफ चम्मच घी डाल देंगे। पानी हल्का गर्म हो तभी 1 चम्मच इंस्टेंट ड्राई यीस्ट डालेंगे। मिल्क पाउडर 2 चम्मच डाल देंगे। आप मिल्क पाउडर जगह मिल्क का यूज कर सकते हैं। 2 कप मैदा डालेंगे। आप यहाँ पे 50% आटा का यूज कर सकते हैं। नमक 1 चम्मच डालकर हाथों से अच्छे से गूंथ लेंगे। सॉफ्ट डो बनाना है। यहाँ पे ल्यूक वार्म वाटर डालेंगे। 2 देखिए हमारा डो थोड़ा गीला है। 1 प्लेट में 1 चम्मच ऑयल डालकर इसे डो को फैला देंगे। डो को दोनों हाथों से आगे की तरफ खींचेंगे। पहले आपका हाथों को चिपचिपा लग रहा था, मगर 4 से 5 मिनट गूंदने के बाद आपके डो में स्ट्रेच आ जाएगा। जिस बटन में आपको डो को रखना है उसी बटन को ऑयल से ग्रीस कर ले। डो को रखकर ऊपर भी ऑयल लगा देंगे। कम से कम डो को 1 घंटे के ऊपर फूलने के लिए रखेंगे। अभी पनीर टिक्का बना देते हैं। मैरिनेशन के लिए दही लेंगे, अदरक लहसुन पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाले, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ बेसन, थोड़ा ऑयल डाल देंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, नमक डालेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। बड़े साइज में पनीर को कट करके डाल देंगे। पनीर को अच्छे से मिक्स कर लें। नमक डालना भूल गई थी तो यहाँ पे नमक डालकर मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके 10 से 15 मिनट छोड़ दे। आप चाहे तो ओवन पे बेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉनस्टिक पैन में थोड़ा तेल डालकर पनीर को सेक लूंगी। पनीर को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। अभी पिज्जा सॉस बना देते हैं। 1 पैन में थोड़ा ऑयल डाल देंगे। बारीक कटे हुए प्याज और लहसुन को डालकर थोड़ी देर भून लेंगे। यहाँ पे मैं टमाटर प्यूरी यूज कर रही हूँ। आप टमाटर को बॉईल करके छिलका निकाल कर इसे पीस कर भी यूज कर सकते हैं। बारीक कटे हुए टमाटर को डाल देंगे। नमक डाले, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर और मिर्च डालकर मिक्स कर ले। आप टमाटो सॉस से पिज्जा सॉस बना रहे हैं तो चीनी डालने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे मैं टमाटो यूज कर रही हूँ इसलिए 1 चम्मच चीनी डाल दिया है। 10 से 15 मिनट कुक करेंगे। डोब की तरफ चलते हैं। देखिए अभी 1 घंटे के बाद डबल साइज से ज़्यादा डोब फूल गया है। थोड़ा मैदा छिड़क कर पंच करके हवा निकाल देते हैं। 1 मिनट के लिए डोब को फिर से गूंथ लेंगे। बोर्ड के ऊपर मैदा छिड़क कर पिज्जा बेस को रोल कर लेंगे।
आपको जितना साइज में बनाना है उसी हिसाब से फैला देंगे। आपको थिन साइज में पिज्जा बनाना है तो बेस को थोड़ा पतला बना लीजिए। जिसमें पिज्जा बनाना है उसी में थोड़ा तेल डालकर मैदा छिड़क दीजिए। पिज्जा को फैला देंगे और फोक के मदद से होल कर लेंगे। बनाए गए पिज्जा सॉस को डाल देंगे। ऊपर मोजिला चीज डाल देंगे। मैं यहाँ पे बेबी कॉर्न, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न और पनीर का यूज की हूँ। थोड़ा प्याज भी डाल देते हैं। आप बिना प्याज लहसुन के बनाना चाहते तो प्याज और लहसुन को स्किप कर सकते हैं। आप बिना ईस्ट के भी पिज्जा बना सकते हैं। तो रेसिपी जानना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ऊपर और थोड़ा चीज डाल देंगे, मिक्सड हर्ब डाल देंगे, साइड को शुगर मिल्क से ब्रश कर लेंगे। ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट कर ले 10 मिनट के लिए। पिज्जा को आधा घंटा के लिए 180 डिग्री पे बेक करेंगे। हमारा पनीर टिक्का पिज्जा रेडी है। कट कर लेते हैं। पिज्जा नीचे की तरफ अच्छे से बेक हुआ है। आपका बेक नहीं हुआ है तो और 5 से 10 मिनट के लिए बेक कर लें। मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले।